हाय गाइज, मोटोरोला ने इस 2021 के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे स्मार्टफोन को लॉन्च किए थे जो कि रियली हमारे लिए एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन थे, और कुछ ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड थे जिन्हें कड़ी टक्कर भी दे रहे थे, और वो सभी स्मार्टफोन ओवरऑल एक बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ आए थे, लाइक मोटो G40 एंड G60। लेकिन इनमें भी कुछ कमियां देखी गई थी, लाइक ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ नहीं आए थे और 5G कनेक्टिविटी के साथ नहीं आए थे। ये दो कमियां देखी गई थी, बाकी ये भी स्मार्टफोन ओवरऑल एक बेटर स्मार्टफोन थे। लेकिन अब मोटोरोला की तरफ से बहुत जल्द इंडिया के अंदर 3 और फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले जो कि मोटो के एज सीरीज में आने वाले, मोटो S20, S20 प्रो एंड S20 लाइट, जिनमें से 2 स्मार्टफोन फ्लैगशिप सीरीज के अंदर आने वाले, मोटो S20 एंड S20 प्रो, जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम सब 100K के काफ़ी करीब आ चुके हैं, बस 200 फैमिली की ज़रूरत है। प्लीज़ यार, वो 200 फैमिली के अंदर आप भी जुड़ सकते हो। सो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से अपने चैनल को 100K के मुकाम पे ले चलो। और अब चलिए मैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मोटो एज 20 सीरीज है, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ जाने वाले, लाइक US एंड नॉर्थ अमेरिका में अलग स्पेसिफिकेशन के साथ जाने वाले, और इंडिया और कुछ और कंट्री के अंदर अलग स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाले। तो अभी हम लोग इंडियन स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करने वाले। तो सबसे पहले अगर हम लोग दोनों स्मार्टफोनों की लुक एंड डिज़ाइन को लेकर बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी ऑफिशियली रेंडर्स वगैरह नहीं आए है कि ये दो स्मार्टफोन किस लुक एंड डिज़ाइन के साथ आने वाले एंड किस तरीके की बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाले। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो सभी बाहर आ चुकी है, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोनों को किसी ऑफिशियली सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट किया गया था, जहाँ पर ये दोनों स्मार्टफोनों की सभी इंडियन स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुकी है। सबसे पहले अगर हम लोग दोनों स्मार्टफोनों के डिस्प्ले को लेकर बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन डिस्प्ले वाइज बिल्कुल भी सिमिलर होने वाले, 6.6 इंचेस की एक फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहां पे 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। तो यहां पे डिस्प्ले को लेकर कोई भी डाउट मत रखना, काफ़ी बेटर स्मार्टफोन होने वाला है डिस्प्ले वाइज। बाकी अगर यही स्मार्टफोनों की रियर साइड कैमराज को लेकर बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन ट्रिपल कैमरे के साथ आने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो प्राइमरी शूटर होगी वो दोनों स्मार्टफोनों के अंदर 108 मेगापिक्सल की होने वाली है, एंड 16 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 8 मेगापिक्सल की 5x डिजिटल जूमिंग के साथ आने वाला है। अब देखा जाए तो यहाँ पे कैमरे वाइज भी ये स्मार्टफोन एक रियल फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। बाकी अगर फ्रंट साइड कैमराज को लेकर बात करें, तो दोनों स्मार्टफोनों की फ्रंट साइड में हमें 32 मेगापिक्सल की पंच होल कटआउट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। अब वो लेफ्ट पंच होल कटआउट होगा या फिर सेंटर पंच होल कटआउट होगा, इसके ऊपर भी अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बाकी अगर बैटरी इमेज को लेकर बात करें, तो एज 20 जो है वो ओनली 4000 एमएच की बैटरी के साथ आने वाला है, जबकि एज 20 प्रो जो होगा वो 4500 एमएच की बैटरी के साथ आने वाला है। तो यहाँ पे बैटरी इमेज को लेकर हमें दोनों स्मार्टफोनों के बीच थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिलने वाले हैं, और यहाँ पे चार्जिंग स्पीड को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कितनी वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है। बाकी अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन क्वालकम के एक पावरफुल चिपसेट के साथ आने वाले, एज 20 प्रो जो होगा वो क्वालकम स्नैपड्रैगन 870 के एक 5G पावरफुल प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जबकि एज 20 जो होगा वो क्वालकम स्नैपड्रैगन 778G की एक 5G पावरफुल चिपसेट के साथ आने वाला है। अब देखा जाए तो दोनों चिपसेट बिल्कुल भी पावरफुल चिपसेट होगा, और बैटरी एफिशिएंसी भी दोनों चिपसेट के साथ हमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए फर्स्ट बोला कि ये दो स्मार्टफोन जो है वो फ्लैगशिप सीरीज के अंदर आने वाले, क्योंकि यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कैमराज, बैटरी को लेकर थोड़ी बहुत एज 20 के अंदर हमें कम देखने को मिली है, लेकिन एज 20 प्रो ठीक ठाक बैटरी के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो सभी दोनों स्मार्टफोन जो है वो एक बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाले। बाकी अगर रैम रोम वेरिएंट को लेकर बात करें, तो एज 20 प्रो जो होगा वो 6128, 8128 एंड 12 256 GB रैम रोम वेरिएंट के साथ आने वाला है, जबकि एज 20 जो होगा वो 6128 एंड बताया जा रहा है कि डायरेक्टली 12 256 GB रैम रोम वेरिएंट के साथ आने वाला है। बाकी दोनों स्मार्टफोन विद बॉक्स एंड्रॉइड 11 एंड स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आने वाला है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ ये दोनों स्मार्टफोन में बहुत जल्द इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है क्वार्टर 3 के अंदर।
अब क्वार्टर थ्री जो है वो जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, जुलाई अगस्त एंड सितंबर। अब देखते हैं इन तीन महीने के अंदर किस महीने के अंदर ये स्मार्टफोन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, बट चांसेस ज़्यादा है कि जुलाई एंड और अगस्त की स्टार्टिंग तक ये स्मार्टफोन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल जाए। फिलहाल आपको ये तीनों ये दोनों फिलहाल तीन स्मार्टफोन आ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग दो ही स्मार्टफोन को लेकर बात की है। तो आपको ये दोनों स्मार्टफोनों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते किसी वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।